हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फुल और मजे करोगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका हर यूट्यूबर को अपनी लाइफ में बेसब्री से इंतजार होता है। तो आज फाइनली मैं अपना चैनल मोनेटाइज करने वाला हूँ, और सच में जो मेरी अंदर की खुशी है ना, मैं अपने वर्ड्स में बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। मतलब मेरी 4 मंथ्स की जर्नी कब एक मोनेटाइज चैनल में बदल गई, मतलब नॉट एक्सप्लेनेबल। और क्या बताऊँ मैं, मतलब मैंने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने इन 4 मंथ्स में। मतलब इतना सारा फ्रस्ट्रेशन भी देखा है, बहुत सारी हैप्पीनेस भी देखी है, बहुत सारा रिग्रेट भी देखा है, और बहुत सारा मतलब ऐसे भी लगा कि यार क्यों कर रहे हो। तो वो चीज़ आज जाके सब कुछ ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमेशा आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग ला के दिखाती है। तो फाइनली आज मेरी लाइफ में वो दिन आ गया है। मतलब ये मान लो कि तो बहुत दूर जाना है, बहुत लंबी जर्नी है, उसका फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है। और मुझे पता नहीं चला 4 मंथ्स कब कंप्लीट हो गए और कब मैंने 134 व्लॉग्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। तो ये व्लॉग जो होने वाला है 135 होने वाला है। तो सच में मैं बयान नहीं कर सकता अपनी हैप्पीनेस। मतलब यार एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो व्लॉग चैनल स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे। मतलब मैंने एक भी दिन अपना मिस नहीं किया आज तक। कैन यू बिलीव दिस? एक भी दिन एकदम से दिमाग में आया और तुमने कुछ स्टार्ट कर दिया और तुम उसके बाद रुके ही नहीं। तो मतलब सच में मैं अपनी डेडिकेशन को खुद बिलीव नहीं करता कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो चुका हूँ मैं इस चीज़ के लिए। क्या बताऊँ, मतलब नींद भी मतलब मैं 6-7 घंटे की लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। 2-2.5 बजे सोता हूँ, फिर 9:30-9:10 बजे तक उठ जाता हूँ। तो मतलब वही एवरेज आता है 6-7 घंटे का। तो गाइज अभी करते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज। तो मैं आपको एक एक प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, एक एक स्टेप दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या फॉलो होता है। मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मैं अभी पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से प्रेशर ही हूँ जो चैनल मोनेटाइज करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या होगा। तो काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है, तो मैंने सोचा था कि इसकी सेपरेट वीडियो रखूँगा। और सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए ये वाला कि आज मैं फाइनली अपने चैनल को मोनेटाइज कर पा रहा हूँ भाई, सच में। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले आप जाओ यूट्यूब पर और अपना यूट्यूब लॉगिन कर लो। तो अभी फिर उसके बाद आपको जाना है अपनी प्रोफाइल आइकन पे, देन यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक करो, देन ये खुल जाएगा। तो ये पूरा पूरा डैशबोर्ड है, और आपको साइड से जो ये आपको कॉलम दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा। देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे चारों के चारों क्राइटेरियाज हैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के, कि 1000 मेरे हो चुके हैं, 1030 हो चुके हैं, एंड इसके अलावा है 4024 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, 4000 की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद 2-स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए यूट्यूब पे, और 0 कम्युनिटी गाइडलाइंस होनी चाहिए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन, देन ये कुछ ऐसा पेज खुलेगा, और उसके बाद आपको देखो ये क्या लिखा है, रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो एक्सेप्ट करनी होगी। तो आप देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन, तो ये सारी की सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे कुछ वही होगी नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्ट कर लो। देन ये थोड़ा टाइम ले रहा है एक्चुअली, ये एक्चुअली लोड कर रहा हो ना कि आपने सारी की सारी जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर ली या नहीं कर दी, कुछ इस टाइप का। चलो फाइनली हो गया है, देन स्क्रॉल डाउन, देन उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा गूगल एडसेंस में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट पर, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं अभी, येस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, और थर्ड वन है आई डोंट नो। तो गाइज अगर आपके पास पहले से गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप सीधा या तो वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप जीमेल आईडी से नया क्रिएट कर लो। तो अभी मेरे पास है पर पता नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये हमारा एंटर, लेट्स सी लॉग इन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो मेरा जीमेल अकाउंट है उस पर एडसेंस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पर, और फिर अपने आप जीमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है योर साइट वेबसाइट, तो आप इसमें सिंपली अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कॉपी करके लिंक इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये पूछ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, यस आई नीड दिस। योर पेमेंट कंट्री, तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मेरी कंट्री है इंडिया, तो लेट्स सेलेक्ट दिस। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी हैं अगेन, तो अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर पढ़ लेना, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। तो लेट्स, सो द अकाउंट वॉज नॉट क्रिएटेड, ट्राई अगेन।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा अकाउंट यूज करता हूँ, मुझे लग रहा है इस अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने जस्ट अभी चेक किया तो मुझे पता चला कि शायद कैश वगैरह और ब्राउजिंग हिस्ट्री एड ब्लॉकर की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो मैंने जस्ट अभी मोजिला फायरफॉक्स खोला है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट में क्रिएट कर पाऊँ या नहीं कर पा रहा। तो अभी हम करते हैं गेट स्टार्टेड और एक बार खुल जाए सही से, भगवान यहाँ हो जाए बस। तो प्लीज सर आईडी, ओके पहले से आ रखा है ये, एक्सेप्ट एसोसिएशन, भगवान हो जाए यार, बहुत परेशान हो गया मैं। आई थिंक हो गया, फाइनली हो गया, फाइनली वो कैश की प्रॉब्लम थी मतलब। ओके अब यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है, एड्रेस मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना, मैं एड्रेस डाल देता हूँ जो भी मेरा एड्रेस है। तो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है अभी, तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और साइन अप फॉर गूगल एडसेंस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है अभी। और अब फाइनली बच गया है मेरा थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो कि है गेट रिव्यूड। तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जब मेरा सेकंड स्टेप जो है ये साइन अप फॉर गूगल एडसेंस वाला ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है गेट रिव्यूड वाला, इसमें अराउंड 30 डेज लग जाते हैं। गूगल सारी पॉलिसीज चेक करता है अपनी जोन की है और वो मैच करता है कि मैंने सब कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो कर रखी है नहीं कर रखी है। तो मतलब 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम खत्म हो गया फाइनली। ये रिव्यू के बाद मेरा सिर्फ मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब मेरे एंड से सारा काम खत्म हो गया है। तो बस इतना ही करना होता है जब आपको चैनल मोनेटाइज करना होता है। तो गाइज मैं तो सोच रहा था काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था। तो गाइज सच में काफ़ी मज़ा आ गया, आई एम रियली हैप्पी। तो फाइनली ये काम भी पूरा हो गया। तो गाइज फाइनली कुछ दिन में जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइज अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और जल्दी सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।